अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर निशान होर। आज का हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड के बारे में। आज के इस लेक्चर में हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ना है कि मदरबोर्ड क्या है और मदरबोर्ड कहाँ मौजूद होती है। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है कि हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या हैं, इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है और ये क्या काम परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है? आंसर है इसका, द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड। जो मदरबोर्ड है वो मेन सर्किट बोर्ड है फिक्स्ड विद द सिस्टम यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, जो फिक्स होती है हमारे कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में। जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में फिक्स सर्किट बोर्ड होता है। इट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू हार्डवेयर डिवाइसेस। ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी हार्डवेयर डिवाइस को एंड इनेबल डैम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और कम्युनिकेट करता है, इनेबल करता है कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। जो मदरबोर्ड है वो क्या है? मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड है जो फिक्स्ड होता है हमारा कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में, और जो मदरबोर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है हार्डवेयर को और इस्टेब्लिश इनेबल करता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। मदरबोर्ड की मदद से मदरबोर्ड जो है वो हमारा सिस्टम यूनिट में एक फिक्स सर्किट बोर्ड है जो हार्डवेयर डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और इनेबल करता है वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। एक दफ़ा दोबारा रीड करेंगे हम, द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड फिक्स्ड विद द सिस्टम यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एनेबल देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा है कि मदरबोर्ड क्या है और मदरबोर्ड क्या काम करता है। आपने इस लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छी तरह सुनना है, इसको समझना है। कुछ समझ नहीं आएगी या इस लेक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो आपने ज़रूर पूछना है। आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुन के इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।